पापा ने कट कर दिया। निन्नी आ गई लोग अपनी फैमिली से। निन्नी गई नहीं अभी, पूजा करने कहाँ जाओ? टेम्पल जाएंगी पूजा करने। अरे चलो अच्छा आ जाओ। हेलो फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई हूँ स्मिता, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल वेल। सो मैं जस्ट अभी सो के उठी, यहाँ पर मैं नींद भरी हुई है। एंड हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप सभी लोगों को रात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। मायके में दूसरा दिन है, मैं नवरात्रि के एक दिन पहले कल आ गई थी और आज मतलब दूसरा दिन है मायके में और आज नवरात्रि का ही पहला दिन है। सो अभी का 6:11 हो चुका है। मम्मी और मेरी सिस्टर जा चुकी है मंदिर पूजा करने, मुझे भी उठा के गई है। तो मैं भी उठ, मेरी डॉटर जो है ना वो अभी सो रही है तो मैंने उसको भी उठाया नहीं है। आज मैं आ चुकी हूँ बाहर और टहल लूँ, शेयर ले लूँ बाहर की, उसके बाद मैं जाऊँ नहाने। मैंने आप लोगों को अपने घर के पौधों के अपडेट दिए दे रही हूँ। सो पौधे दिखाती हूँ। ये है गुलाब का पौधा। पौधे को मैं बता दूँ, एक पौधा कितना लंबा था, जितनी वो टीन है ना ऊपर यहाँ तक पहुँच गया था। और इस पौधे का पापा ने कट कर दिया था बिकॉज ये झुक गया था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था गुलाब का। और ये वाला गुलाब का सुबह सुबह ताज़े ताज़े हैं, हरे हरे सारे पौधे ताज़े ताज़े एकदम से हरे भरे हैं। सो थोड़ी देर टहल लूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नहा के मंदिर जाती हूँ या नहीं जाती हूँ एंड तक बने रहिएगा ब्लॉग में। अभी के लिए ब्लॉग को कर रही हूँ क्लोज और मेरे ऊँट देखिए ना, पक्का चलता रहा तो एकदम ऊँट सूख गए हैं। थोड़ी देर टहलू, नींद को तो खुल रही है धीरे धीरे। मैं जैसे ना वॉक कर रही थी वैसे इनके उठने की आवाज़ ही बहुत तेज तेज से हंस रही थी तो ये उठ गई है। चलिए मिलते हैं इन मोहतरमा से। उठ गई निन्नी, आ गई आपकी निन्नी, आ गई। बोलो हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि फॉर मम्मा शायद। बड़े मन मौजी करा रही है। देखा देखा, उठोगे नहीं? हैप्पी नवरात्रि नहीं बोलोगे अपनी फैमिली से? अच्छा फैमिली से हैप्पी नवरात्रि तो बोल दो। बहुत तेज ठारे मार के हंस रही थी, बाहर आवाज आ रही थी जैसे मैं आ गई से लेट नहीं नौटंकी कर रही, लेकिन बहुत नौटंकी आवाज है। उठ जा सोना पुत्र जी। देख रहे हैं इसकी नौटंकी आप लोग, क्या कर रहे हो नौटंकियां कर रहे? कल ये पहन गए थे भाई, पहने हैं मैंने तो चेंज कर लिया था। अरे कहाँ जा रही हैं? आ जा बोलो हैप्पी नवरात्रि। नहीं बोलेंगे, मन नहीं है। बटन की साइड से मैं आप लोगों को बोले दे रही हूँ हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। कट्टी कट्टी कर रही है, क्यों कट्टी कर रहे हो? क्या बात है? हाँ निन्नी गई नहीं अभी, और निन्नी आ रही है पुत्र जी। वो हाँ तो बोलो ना सभी लोगों से, हाँ टीका कल का लगाओ टीका। आप जल्दी ना लो फिर पूजा नहीं करने चलोगे, टेम्पल चलोगे? वो टेम्पल जाना, टेम्पल जाने का बड़ा शौक है इनको। चलो चले तो फिर हैप्पी नवरात्रि तो बोल दो सभी को। नवरात्रि सो बोल दिया इन्होंने हैप्पी नवरात्रि। सो चलिए मैं थोड़ा नहा लूँ फिर, तब तक मम्मी भी आ रही होंगी तो मुझे इनको देखना पड़ेगा। मम्मी आ जाएगी फिर इनको वो खुद ही देखेंगी, नहा लूँ देखते हैं। मम्मी अगर परमिशन देंगी उनको मंदिर ले जाने के तो मैं लेके जाऊँगी। बस शायद ये जाती रहती है मंदिर तो मम्मी कोई दिक्कत नहीं करेंगी, लेके जाने देंगे। नहीं खुली अभी, आ रही है कितनी तेज। सो गए और पक्का प्रॉमिस नहीं तो फिर जाऊं मैं जाऊं जाने के नाम पे। मैंने नहा लिया है और हेयर ना गीले ही थे उनका, मैंने ऐसे बन बना लिया। मैं बहुत जल्दी में रीजन बताऊंगी, मैं अपनी डॉटर को भी नहीं लेके जा रही हूँ इतनी जल्दी मंदिर, क्यों जा रही पूजा करने के लिए? और डॉटर को भी क्यों नहीं लेके जा रही, बाद में बताऊंगी। जल्दी से थाली उठा लेती हूँ, मैंने तैयार कर ली है जल्दी से फटाफट से, और मंदिर जाती हूँ। अगर हो सकेगा आप थोड़ा बहुत कैप्चर कर लूंगी। और क्यों नहीं, वो डॉटर को लेके जा रही हूँ साथ में और इतनी जल्दी में क्यों, तो मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगी। सो आप लोग ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। तो फाइनली गाइस मैं आ चुकी हूँ मंदिर के अंदर और ये वही मंदिर है। इसी मंदिर में मेरी बच्चे का मुंडन हुआ था। जिन लोगों ने मुंडन सेरेमनी का ब्लॉग नहीं देखा, लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, प्लीज जरूर।
गाइस मैं पहुंच चुकी हूं मंदिर के अंदर और आप लोग भी हमारे साथ कर लीजिए माता रानी के दर्शन और आरती वगैरह। मैंने कर ली है पूजा और अब मैं मंदिर से बाहर निकल रही हूँ। जस्ट पास में दूसरा मंदिर है, ये है शिव जी का मंदिर, मैं इसी मंदिर में पूजा करूँगी। अब यहाँ पर ये बच्ची पूजा कर रही, तो मैंने इसी को मोबाइल दे दिया था शूट करने के लिए, तो उन्होंने फाइनली मेरा वीडियो शूट कर दिया है। और मैं यहाँ पर शिव जी की पूजा कर रही हूँ और जल वगैरह चढ़ा रही हूँ, तिलक वगैरह कर रही हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग, मेरी फैमिली, आप सभी लोग सेफ रहें सुरक्षित, और माता रानी की कृपा ऐसे ही हम सब पर बनी रहे और आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार हम पर बनाए रहिए। मैंने कर दी पूजा, ये बच्ची अभी पूजा करने आई है और अब मैं घर के लिए निकल रही। मैं यही बता रही थी बच्ची को लेके क्यों नहीं आई, रीजन ये था घर से दो घर छोड़ के एक लोगों की डेथ हो गई, तो मैंने कहा बच्ची को ले जाना सेफ नहीं है, सभी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, इस वजह से मैं अपनी बच्ची को लेके नहीं आई थी क्योंकि एक लोगों की डेथ हो चुकी है हमारे घर के पास में। तो मैं इसे जल्दी जल्दी निकल आई थी पूजा करने, तो मैंने पूजा कर ली है शिव जी का। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, वहीं पे स्टार्ट कर रही हूँ घर में पूजा करूँगी, जा बच्ची को भी वहाँ पूजा कराऊंगी। तो आप गए, मैं मंदिर से आ गई हूँ पूजा करके, अब मैं करूँगी घर पर पूजा। देख रहे हैं आप लोग बैकग्राउंड में टंगा हुआ है, बच्ची को भी पूजा नहीं कराऊंगी बिकॉज उसको श्वेता लिए हुए है, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं थोड़ी देर पूजा कर लेती, उसने नहाया भी नहीं है अभी, बिना नहाए कैसे पूजा करा सकते, उसको बाद में करा दूंगी जब वो नहा लेगी, वो भी आप लोगों को ब्लॉग में मैं शूट कर दूंगी। सो अभी मैं पूजा कर लूँ घर पे, अपने लड्डू गोपाल जी को बातें करा दूँ, दुर्गा माता जी की पूजा कर लूँ, और मैं फास्ट हूँ या नहीं वो जानने के लिए आप लोगों को ब्लॉग में एंड तक रहना ही पड़ेगा। देखो भाई ये मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं और ये है मेरी दुर्गा माता जी। पूजा हो चुकी है पहले ही और फूल वगैरह चढ़ चुके हैं, मम्मी छोटा कर चुके हैं, छोटा सा पूजा का मंदिर एक अलमारी थी उसमें पूजा का मंदिर बना रखा है, घर में ऐसा कोई मंदिर वगैरह नहीं बना हुआ है और जहाँ पर भी पूजा करने लोग वही मंदिर हो जाता है, बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। सो गाइज मैं यहाँ पर अपने लड्डू जी को नहला रही थी, लड्डू गोपाल जी को नहला दिया, अब उनको उनके सिंहासन पर बैठा लूंगी। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं लेफ्ट हैंड से पूजा कर रही, बट ऐसा नहीं है, फ्रंट कैमरे शूट हो रहा है इसे इस। तुम है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कपर वाली, तेरे ही रोड़े नहीं जलाया बिकॉज शाम को पूजा करूंगी तब दीपक जलाऊंगी। क्या लगा दे अपने पुत्र जी के चौड़े स्पर्श कर लो, ऐसे ही दूर से बात ही नहीं करी ना, जय भगवान की चौड़े स्पर्श कर लो, अच्छे टीका लगा दी मम्मा ने, रखो तो सही से। अब चलो बाहर चलो, टीका लग गया, देखो टीका टीका लग गया, लग गया टीका पुत्र जी, चलो चले अब जल चढ़ा चल के बाहर, चलो चलो जल चढ़ा ले चल के बाहर चलो। सो फाइनली गाइस पूजा कर चुकी हूँ, यार ड्राई हो गए थे, बन बना लिया है और ये मैडम क्या कर रही दिखाती हूँ मैं आपको। सो मैं बताती हूँ फास्ट हूँ या नहीं तो मैं बता देती हूँ, जी हाँ मैंने फास्ट रखा है, फर्स्ट वाला ही रखूँगी या लास्ट तक रखूँगी, इसके लिए आप लोगों को और ब्लॉग देखने पड़ेंगे, सो बने रहिएगा हमारे साथ सभी ब्लॉग्स में। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। सो इनको देखिए क्या कर रहे हैं, दुपट्टा उड़ की पूजा करने जा रही है, क्या कर रहे हो दुपट्टा उड़, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो दुपट्टा उड़, कहाँ जा रहे हो पूजा करने जा रहे, कहाँ पूजा करने जा रहे, पहले सभी से हैप्पी नवरात्रि तो बोल दो एक बार फिर से, पूजा तो करने जा रहे हो उड़ के, पहले हैप्पी नवरात्रि तो बोल दो सभी से, बोलो हैप्पी नवरात्रि, नहीं बोलेगी अच्छा राधे राधे कर दो। मैं जा रही हूँ इनको नहलाने और इनको नहलाने के बाद इनको मैं पूजा करा दूंगी, पूजा करोगे, कहाँ जा रहे हो पूजा करने, कहाँ जाओ, टेम्पल जाएंगी पूजा करने, अरे वाह वेरी गुड। और मम्मा ने आपके टीका तो लगा दिया है, टीका कहाँ लगाया आपके, आप अपना टीका बताओ और टाइम देखो कितना हो गया पीछे,
8:10 है तब मैं फ्री हुई हूँ। 6 बजे उठी थी, पूजा वगैरह करी, सब कुछ टाइम वेट इधर उधर हो गया और फाइनली मैं आज व्रत हूँ। और शादी के बाद मैंने पहली बार जो है ना नवरात्र का फास्ट रखा हुआ है आज, और शादी की मेरी तीसरी साल चल रही है तो इस वजह से। और देखो शायद आप लोगों को बैकग्राउंड में रोने की आवाज़ आ रही होगी, पास में एक लोगों की डेथ हो गई है तो इस वजह से मैं उनको मंदिर नहीं लेकर गई थी। क्योंकि कुछ इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो मम्मी ने कहा इसको लेकर ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं खुद ही अकेले चली गई थी। पहले मम्मी और श्रोता कराई थी, फिर बाद में मैं करने गई थी पूजा, और ये दुपट्टा लिए अपने मस्त है। देखो इधर आ जाओ, मम्मी पास आ जाओ तो चलो बाथिंग करा दें। अच्छा अच्छा पहले मिल्क पिला दें, मिल्क पियोगे? यहाँ आओ, मिल्क पियोगे? क्या पियोगे? हटो वो नौटंकी कर दी है, जैसे काम करो वैसे ही सेम देख देख के करेगी। पूजा करती है चुन्नी ओढ़ के तो अपना भी चुन्नी ओढ़ के, और जैसे ही आसन लगाती हूँ तो आसन लगा देगी और फिर कहेगी बैठो पूजा करो। तो अभी के लिए ब्लॉग को कर रही हूँ क्लोज, उनको थोड़ा मिल्क पिला दूँ और उनको नहला दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, उनको पूजा वगैरह करा दूँ। फाइनली गाइस मैंने उनको मिल्क पिला दिया है और ये यहाँ पे नाइफ लेके लेट गई। यहाँ पे नाइफ दे दो, नाइफ दो मुझे, गिमी दे दो ना, नहीं दे रही है। और मैं पपाया कट करके आ गई हूँ, आप लोग भी पपाया खाइएगा, इसमें हम और मेरी बच्ची खाएंगे। खाती नहीं उसे, ये लगता है फ्रूट्स उसको पसंद ही नहीं है, तो मैं पपाया लेके आई हूँ, मेरा फास्ट है तो आप लोग भी मेरे साथ पपाया खाइए। क्या कर रहे हो चाकू से? क्या कर रहे हैं? नाइफ दो, मम्मा को दे दो नाइफ, चोट लग जाती है। सो मैं पपाया खा लेती हूँ फटाफट से। उनको मैंने मिल्क ला दिया था बट मैंने अभी इनको बात नहीं कराई है, जब बातें कराऊंगी ना तब उनको पूजा कराऊंगी। मैंने कहा चलो तब मैं पाया खा लूँ, फिर मिलती हूँ। चलो अच्छा आ जाओ, नहीं बंद कर दे, हाँ टीका लगा दो, वेरी गुड, और कर लो। चलो अब आ जा, हो गई पूजा, बंद कर दे, लाइट ऑफ कर दे। चलो फिंगर पकड़ो, लुटिया में ही रखो, लुटिया रख दो, पुट करो। अच्छा तुम्हें पता है कि इसको उल्टा करके रखा जाता है पूजा करने के बाद, वेरी गुड। चलो आ जाओ, जय हाँ जय माता रानी, माता जी के पजारी स्पर्श कर लो, हाँ माता रानी। आपने पूजा करी थी? कैसे पूजा करके आए थे? पूजा कर ली ना? पूजा हो गई, सो आप कर दो क्लोज, बाय बाय करो, छोटू बाय, कट कर दूंगी पहले, बाय करो पहले, बाय कट कर दो। ये जब पूजा कर रही थी तब भी बोल रही थी कट कर दो, तो फाइनली अब ब्लॉग कर रही हूँ क्लोज। सो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।